तत्वतः मंजूरी दिली. स्थानिकांशी चर्चा करून आणि सर्वांना विश्वास शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है. ये सरकार की मर्जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली, वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी. पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया. पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है. SIT का रिपोर्ट आया है, ये SIT तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं. देश के गृहमंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते हो. मुझे लगता है कि जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी. चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको. और जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे. मैं राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते, तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता. इसलिए मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं. जय हिंद. समाजवादी पार्टी की तरफ से भीषण. तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीवरती आम्ही विरोधक ठाम आहोत, याचा पुनरुच्चार संजय राऊत यांनी सुद्धा केला. आणि यासोबतच बुलेटिन मध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी